हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास फोर करेंगे। कल तो हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि वो होती क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को उससे मतलब भाग कर सकते हैं। देखिए, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलीनोमियल, कोई पी एक्स और जी एक्स आर क्या होंगे, टू पॉलीनोमियल होंगे, जहाँ पर क्या होगा जी एक्स जो सेकंड होगा, जी एक्स जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, नॉट इक्वल जीरो। अगर वो जीरो हो गया तो हम उसका सॉल्यूशन कर ही नहीं पाएंगे। तो पी एक्स जी एक्स आर टू पॉलीनोमियल्स विद जी एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, देन वी कैन फाइंड पॉलीनोमियल, देन वी कैन फाइंड पॉलीनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। क्यू एक्स एंड आर एक्स को हम फाइंड कर सकते हैं अगर जी एक्स इज नॉट इक्वल जीरो है। अगर जी एक्स इक्वल जीरो आ जाएगा तो हम क्यू एक्स और आर एक्स कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये क्यू एक्स आर एक्स पी एक्स और जी एक्स होता क्या है ना, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, पी एक्स जो होता है हमारा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स होता है डिविडेंट, है ना, भाज्य। क्या होता है? डिविडेंट, जिसको हम भाग दे मतलब जिसको भाग देते हैं। जी एक्स भाजक, डिवाइजर, है ना, ये क्या होता है, भाजक, डिवाइजर। और इंटू क्यूशेंट, क्यूशेंट क्या होता है, भागफल। क्या होता है ये, भागफल। और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब जो भी हम भाग करेंगे सॉल्व करके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो शेषफल होता है, शेषफल आर एक्स मतलब जो होता है वो जीरो, जीरो भी आ सकता है, या हमेशा डिग्री ऑफ जी एक्स से कम आएगा। जो डिग्री ऑफ जी एक्स, ये जो जी एक्स हमारा है, जो भी हमारा जी एक्स जिसे हम डिवाइस करेंगे, जो भी जी एक्स है उससे हमेशा इसकी डिग्री क्या होगी, कम आएगी। तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे करके, है ना। तो हमें दिया हुआ है 3x² - x³ - 3x + 5 / x - 1 - x², मतलब हम इससे इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये हमारा क्या है, डिविडेंट, है ना, डिविडेंट है, और इसको इससे हम भाग करेंगे तो ये हमारा डिवाइजर आएगा। तो सबसे पहले क्या ये लिख देंगे, हम लिखेंगे x - 1 - x² ये क्या है, देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, तो हम डिग्री 3 को पहले लिख देते हैं, माइनस के x³ फिर डिग्री 2 लिख देंगे, प्लस के 3x² माइनस के 3x प्लस के 5। ठीक है, अब हम इसको हमें क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। देखिए यहाँ डिग्री कितनी है, 3, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसको भी चाहे आप सेम लिख लीजिए, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले है माइनस के x², फिर है प्लस के x और फिर है माइनस के 1। अब ये देखिए यहाँ क्या है, x², यहाँ कितना है, x³। तो x³ यहाँ x² है, तो यहाँ पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक डिग्री, एक पावर और चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर एक एक्स से इसमें गुणा कर देंगे, मतलब ये जो एक एक्स है इसकी गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और दो कितने मिलकर, एक और दो मिलकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स की गुणा इसमें कीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ आ जाएगा माइनस, है ना। उसके बाद एक्स की एक्स में करेंगे या प्लस लगा दीजिए, एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2, तो x² के नीचे x² लिख लेंगे। इसमें ये होता है सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री लिखनी है, अगर x³ है तो उसी के नीचे x³ लिखेंगे, x² है उसी के नीचे x² है, अगर नहीं है तो उसको अलग लिख देंगे, है ना। तो हमने क्या करा, फिर इसमें x की इसमें करेंगे तो माइनस के x, ये x है तो इसके नीचे लिख दिया माइनस के x, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन सेम है, अगर हम इसमें साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे और जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, माइनस 3 इसका माइनस है, तो 3 में से यहाँ 1 है, 1 गया तो कितना हो गया, 2, और x² उतार लीजिए, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस ही आएगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस करेंगे तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो माइनस के यहाँ बचेंगे 2x। अब यहाँ से क्या उतार लेंगे, हम 5 उतार लेंगे, प्लस के 5। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, एक तो हमें 2 चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ प्लस है, है ना, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस, जो भी चिन्ह यहाँ पे होगा, जो भी साइन यहाँ पे होगा वो हम यहाँ उतारेंगे ना, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस उतार दिया। अब यहाँ 2 चाहिए हमें ना, 2x² बनाना है और यहाँ सिर्फ x² है, तो हमने यहाँ क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, x² तो है ही है,
तो सिर्फ टू की गुना होगी है ना, एक्स स्क्वायर की नहीं होगी। अब टू की गुना इस पूरे में कर देंगे, तो इस टू की गुना इस पूरे में करेंगे, दो की इसमें करेंगे तो माइनस के टू एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस की प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, टू की एक्स में करेंगे तो प्लस के टू एक्स आ जाएगा, फिर टू प्लस के टू माइनस के टू तो माइनस हो जाएगा, और दो ये कम दो तो कितना हो गया, देखिए प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, अब फाइव प्लस के हैं माइनस के टू हैं तो कितना बचा है यहाँ, थ्री, थ्री आ गया है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, थ्री। ये क्या है हमारा आर एक्स, आर एक्स क्या है, रिमाइंडर है ना। और ये एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू क्या आया हमारा, क्वेश्चेंट आया है ना, क्वेश्चेंट आया सी क्यू यू ओ टी आई ई एन टी है ना, ये आ गया। और ये तो हमें पता ही है, ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर होता है, चाहे तो आप इसको इस फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो इसके ये बराबर आ जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा कि डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो कल हम इसका नया टॉपिक करेंगे, तो कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।